गुड आफ्टरनून, मैं गौरव मिश्रा ऑल इज वेल हॉस्पिटल से। हमारे बुरहानपुर में फर्स्ट टाइम ऑल इज वेल हॉस्पिटल में फर्स्ट टाइम पेनलेस डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी कराई गई है। ये एक न्यू टेक्नोलॉजी है जिसमें नॉर्मल डिलीवरी में बिल्कुल भी पेन नहीं होता है और बेबी की बर्थ हो जाती है। जानते हैं अनीता मैडम से, जिनकी रिसेंटली अभी डिलीवरी कराई गई है डॉक्टर समीर के द्वारा, क्या एग्जैक्टली इनके साथ हुआ। मैम, अनीता मैम, आपको ऑल इज वेल के हॉस्पिटल के बारे में कैसे पता चला? लोगों ने मेरे को बताया कि मतलब वहाँ इलाज सही होता है जी, और इसी से मैं यहाँ इलाज कराना शुरू कर दी जी। पहले तो मेरा इलाज चल रहा था एक लेडी डॉक्टर से जी, उसके बाद मेरे को यहाँ मालूम पड़ा तो मैं यहाँ इलाज करवाई, तो मेरे को यहाँ अच्छा लगने लगा कि मतलब वहाँ से यहाँ हमको ज्यादा बेटर फील करने लगे। कौन से डॉक्टर यहाँ पे ट्रीटमेंट दे रहे थे आपको? समीर सर, डॉक्टर समीर सर हमारा इलाज चालू कर दिया जी, और मेरे को यहाँ अच्छा लगने लगा तो मेरा डिलीवरी भी यही हुआ। डिलीवरी भी यही नॉर्मल डिलीवरी हुआ। ओके, तो मैम सॉरी डिस्टर्ब कर रहा हूँ, जैसे सुनते हैं हम लोग कि एक पेनलेस डिलीवरी की एक नई टेक्नोलॉजी आई हुई है बुरहानपुर में ऑल इज वेल हॉस्पिटल में, तो क्या आपको डिलीवरी के टाइम पे थोड़ा बहुत भी पेन हुआ था? नहीं, मेरे को नहीं हुआ, थोड़ा भी नहीं हुआ। पेन नहीं हुआ आपको? बिल्कुल भी पेन नहीं हुआ था? नहीं हुआ। और कितने समय में आपको आपकी बेबी आपके हाथ में दे दी गई थी? आधे घंटे में। ग्रेट, मतलब ये बेबी ऑपरेशन से नहीं हुई है, ये एक नॉर्मल डिलीवरी हुई है बिना पेन के? बिना पेन। ओके मैम, थैंक यू सो मच। सर, आपसे एक क्वेश्चन था मेरा, सब जाना चाहते हैं, मोस्टली लेडीज या उनके हस्बैंड अपनी वाइफ को लेके जाना चाहते हैं लेडी डॉक्टर के पास डिलीवरीज के लिए, तो समीर सर एक जेंट्स डॉक्टर हैं, तो आपने समीर सर को क्यों सिलेक्ट किया? सर, मैंने इसलिए सिलेक्ट किया कि मेरी वाइफ का बुरहानपुर में इलाज एक लेडीज के पास चल रहा है जी सर, तो वहाँ पे हमें मतलब हमारी पत्नी के साथ हमें वहाँ पे डॉक्टर के पास बैठने नहीं देते थे जी, हमें बहुत तकलीफ होती थी इस बात को लेकर, वाइफ मेरी बात नहीं कर पाएगी तो बात मैं कर सकता हूँ जी। फिर मेरे को यहाँ का मालूम पड़ा ऑलिजुएल का जी सर, तो मैं डॉक्टर समीर से मिला जी, और उन्होंने मेरे को मतलब कहीं पे भी मतलब रोके नहीं, हर जगह डिलीवरी के टाइम भी मेरे को खड़ा किया वहाँ पे जी, और हर वक्त मेरे को साथ में रहने को दिया, और बहुत मेरे को यहाँ पे अच्छा महसूस हुआ, और डिलीवरी भी मैं यहीं पे कराया जी, कोई तकलीफ नहीं हुआ हमें, कोई प्रॉब्लम नहीं आई आप? नहीं, तो हम बोल सकते हैं कि एक जेंट्स डॉक्टर भी एक लेडीज डॉक्टर के हिसाब से बराबरी से काम कर सकते हैं, राइट? डॉक्टर समीर लेडीज से भी अच्छे हैं जी, और इनके पास मतलब आने के बाद आदमी का टेंशन खलास जी। ग्रेट सर, थैंक यू सो मच। अभी आपकी बेबी कैसी है? अच्छी है, बेबी और माँ दोनों ठीक है, दोनों तकलीफ नहीं है, और यहाँ का डिपार्टमेंट भी बहुत अच्छा सर्विस दे रहा है, कोई तकलीफ नहीं है हमें जी, बहुत खुश है हम लोग ऑलिजुएल डिपार्टमेंट को, थैंक यू, और डॉक्टर समीर को थैंक्स बोल रहा हूँ। सो अनीता मैडम और उनके हस्बैंड बहुत खुश हैं, उनकी बेबी भी बहुत सुंदर है, बहुत प्यारी है और बहुत स्वस्थ है, पूरी फैमिली ऑल इज वेल को थैंक यू बोल रही है, डॉक्टर समीर सर को थैंक यू बोल रही है। समीर सर, थैंक यू सो मच, ऑल इज वेल, थैंक यू सो मच हमारे पेशेंट की तरफ से।